होती कौन हूँ तुझे रोकने वाली। बहन का रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। कहने को तो मैं तेरी बड़ी बहन, लेकिन मेरा कोई हक नहीं है तेरे में। बस तंग करती रहती हूँ ना तुझे, रह लूंगी मैं तेरे बिना। झेल दिया ना तू मुझे, बात बात में हुक्म चलाती रहती हूँ, ये मत कर वो मत कर, मैं होगी ऐसी। मैं नहीं बदल सकती, हिटलर जैसे बिहेव करती हूँ। चामुन, अब तू आजाद है। आज से मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। सच कह रही हूं, तुझे मेरी दर्द की बहुत परवाह है ना, बहुत फिक्र है ना तुझे मेरी। जो दर्द मेरे सीने में, वो ना ही तो कभी देख पाएगी और ना ही कभी समझ पाएगी। मुझे जरा सी तकलीफ होती तो तू कितनी बेचैन हो जाती। तो सोच मनु, तू इतने बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही, मैं कितनी बेचैन हो रही होंगी, मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मेरा एक एक पल कैसे बीतता है सिर्फ मैं ही जानती हूं, सिर्फ मैं। आपने तो कहा था कि हम इस मुश्किल दौर का डट के मुकाबला करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो तुझे क्या लगता, मैं हिम्मत हार चुकी हूं? तेरे इस बीमारी के सामने मैंने घुटने टेक दी। नहीं मनु, लेकिन मैं भी इंसान हूं, पत्थर नहीं। अरे मुझे भी घबराहट होती है, मुझे भी डर लगता है। अपने आप को कोई मेरी जगह पे रखे तो समझे कि मेरे दिल पे क्या बीतती है, मुझे कितना डर लगता है। लेकिन कोई कोई मेरी बात क्यों समझेगा, तू मेरी तकलीफ क्यों समझेगी मनु। मैंने सोचा था कि अगर तू यहां रहेगी मेरी नजरों के सामने, तो जब भी मेरा बन जाएगा मैं आकर तेरी एक झलक देख लूंगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली होगी कि मेरी मनु मेरे आंखों के सामने, वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीमारी की जब मुझे चिंता रहेगी, मैं आकर तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लूंगी, और तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे गम खुशी में बदल जाएंगे। लेकिन ये सब मेरा सोचना है, तुझे क्या फर्क पड़ता, फर्क पड़ेगा भी कि मैं तड़पती रहूं, बिलखती रहूं, मेरा दिल बेकरार रहे, रातों को मुझे नींद भी ना आए। आजकल दुनिया में किसी को किसी की परवाह नहीं है, तू मेरी परवाह क्यों करेगी। तू जा ऋषिकेश, विराट तुझे ऋषिकेश ड्रॉप करेगा। विराट जाके मानवी को ऋषिकेश ड्रॉप कर, और देखना कि रास्ते में उसे कोई तकलीफ ना हो। परवाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। चावन, चली जा विराट के साथ। नहीं दी, नहीं प्लीज दी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये लो दे। लेकिन प्लीज आप ये मत बोलो कि मैं आपकी परवाह नहीं करती। दी ये मत बोलो, मैं आपसे प्यार नहीं करती।
जाता है, 100 गुना ज्यादा आपकी फिक्र रहती है दी। दी मैं आपके सिर्फ नाम के लिए बहन नहीं हूँ, खून का रिश्ता है हमारा दी। आपको पता मैंने मैंने भगवान जी से एडवांस में रिक्वेस्ट करके रखा है कि मेरा जब भी जन्म होना आपकी बहन बन के हो। ये लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दी। I'm really sorry. मैं आप कहती हूँ कि कहती मैं आपसे प्यार नहीं करती दी, दोबारा कभी मत बोलना ऐसे। आप ऐसे कभी मत सोचना कि मैं आपकी परवाह नहीं करती दी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी दी। I'm really sorry. I'm sorry दी। वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों बहनें ना इस दुनिया की बेस्ट बहनें हो। और आप बस जीजू। अरे विराट तुम कब आगे जा रहे हो? तुम इस दुनिया के बेस्ट देवर हो। क्यों पार्टनर तुम हमें खुश देख के खुश नहीं हो क्या? पागल हो गया? लंच का टाइम हो गया। ओह यस। मनोज खाना खाने चलते। हाँ दी मुझे बहुत भूख लगी। आप दोनों भी? हाँ हाँ मैं भी लगी भूख। चल चले भाई। क्या हो भाई कोई प्रॉब्लम? यार मैं बस जीविका की बातें सुनकर ये सोच रहा था कि जीविका के अंदर कितना डर है यार। और पति होने के नाते मुझे ऐसा पता होना चाहिए था। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। नहीं भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? आपसे अच्छी तरीके से भाभी को कोई नहीं जानता। जैसे आप उनका ख्याल रखते हो, उनकी केयर करते हो, आप आइडल नहीं आइडल हो। जो क्वारी लड़कियां होंगी ना वो सोचती होंगी मुझे आपका ऐसा पति मिले। विराट लेकिन मेरे सोचने का एंगल ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जीविका के अंदर ये जो परेशानी है जो घबराहट है बस किसी तरीके से मैं ये उसके अंदर से निकाल सकूं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं जिससे 100% ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। चल रहे यार मेरी बातों में खाना ठंडा हो जाए। चल सुंदर तुम बाबूलाल के गांव से आए हो ना? अरे अब ये क्या कर रहे हो? अब ये गेहूं की रोटी है, बुआ जी को गेहूं की रोटी से एलर्जी है, इनके लिए मिक्स आटे की रोटी बनती है, वो ले आओ। आप नए हो ना? कोई बात नहीं मैं ले आती हूँ। इट्स ओके जीविका, हम राइस खा लेंगे। वैसे भी हफ्ते में एक बार राइस खाने से हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना तब पीजी चाचू चाची एक बार मेले में गए थे। तो जब मेले से वापस आए तो तीनों के तीनों बीमार पड़ गए। एक्चुअली वो तीनों को ना टाइफाइड हो गया था। तो इतने बीमार तो घर की सारी जिम्मेदारी ना दी पे आ गई। दी भी कोई कम नहीं थी, उन्होंने भी हार नहीं मानी। 4 दिन के अंदर अंदर पीजी चाचू चाची सब का बुखार उतर गया। पर बदले में मेरी दी बीमार पड़ गई, उनको टाइफाइड चढ़ गया। लेकिन इस पूरी स्टोरी से लेसन ये मिलता है कि मेरी दी है ना वो इतनी भोली और वो दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। दूसरों से इतना प्यार करती है कि अपने बारे में कभी सोचने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। वो मुझ में इतना खो जाती है, वो मेरा ध्यान रखने में इतनी इतनी मग्न हो गई है कि वो दी एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज ठीक से निभा नहीं पा रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई बदलाव आ गया।
वो बिल्कुल वैसी है। इसलिए प्लीज आप लोग कोई भी दी को कभी भी गलत मत समझना प्लीज। और ये सारी प्रॉब्लम की वजह ना सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरी वजह से दी का ध्यान बट रहा है और वो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रही, इसलिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मानवीर चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। किसी भी रिपोर्टर को कोई भी सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम। बेटा सवाल तो नहीं पर तुम्हारी बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे हम। मानवी बेटा हमें अपनी बहू जीविका से कोई शिकायत नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके संस्कार और समर्पण पर गर्व है। बेटा जिस तरह आज वो तुम्हारा ख्याल रख रही है, अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो वो हमारा भी ख्याल रखेगी। फिर तकलीफ किस बात की है? हमें अपनी बहू पर नाज है। आंटी इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच दी को इतना समझने के लिए। So true, जीविका। देखो कभी भी अपने अंदर कोई गिल्ट मत रखना और कभी ये मत सोचना कि मानवी की देखभाल में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है। We all are with you, जीविका। Thank you, बुआ जी। बुआ जी, thank you so much. I'm sorry, बुआ जी। बुआ जी, मैं बस आपको थैंक यू बोलने जा रही थी और ये हो गया। It's okay. लगता है बुआ जी मेरी किस्मत में सिर्फ आपको सॉरी बोलना ही लिखा है। सॉरी हो गया। आंटी मैंने ना आपका अकाउंट खोला है। अकाउंट किस बैंक में? बैंक में नहीं, एक बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने आपका अकाउंट खोला है। उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मैं आपको दे देती हूँ। ये लो आंटी। तो आप सोच क्या रही हो? चलो ना अपना अकाउंट ओपन करो और प्लीज देखो ना सर्च मारते हैं आपकी कोई पुरानी फ्रेंड मिल जाए बचपन की। हाँ ठीक है। यस तरुण इधर आओ। सुंदर मानवी ये मुझसे हो नहीं रहा है, तुम आओ प्लीज चेक करो। ओहो एक मिनट क्या हुआ? ये चले लगता है लैपटॉप ने अपने आप को फांसी लगा लिया, हैंग हो गया है। मैं देखता हूँ। पार्टनर एक बात बताओ, तुम अपने लैपटॉप से लेके गाड़ी से लेके सब कुछ खटारा यूज करते हो क्या? सही टाइम पे खराब क्यों हो जाती है सारी चीजें? इसको रिबूट करना पड़ेगा। ये लो स्टार्ट हो। एक सेकंड मैं इसका इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करता हूँ। चल अब एक सेकंड मोम एक सेकंड मेरे अकाउंट में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है। सीमा चोपड़ा ये तो मेरे स्कूल में सीनियर थी। ओके क्या कोइंसिडेंस है? सीमा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। क्या हुआ पार्टनर, कोई बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया क्या? कुछ नहीं हुआ बस ऐसे। ये लो आप लोग एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ।
अब अगर आग लग गई ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने तुमने थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया। मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी चिंता कम हो जाए। आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतनी फिक्र करते हो, क्या यही कम है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फरीद जी, आपका बटन टूट गया? हाँ, वो थोड़ी देर पहले टूट गया। मैं अभी फिक्स करती हूँ। मानवी की बीमारी के बारे में इतनी बड़ी बात हमने मिस कैसे कर दी? मुझे इसके बारे में और फाइंड आउट करना होगा, नहीं तो मानवी के लिए खतरनाक हो सकता है। और ये लो, ये रही तुम्हारी दवाई, इसे खा लेना। यहाँ पे गर्म दूध रखा है ढककर, बाद में पी लेना, ठीक है? अच्छा, एसी होने ज्यादा ठंड लगे तो ये रिमोट छोड़ के जाना, ऑफ कर लेना। फिर भी अगर ज्यादा ठंड लगे एक्स्ट्रा कोइल छोड़ा हुआ, ओके? चल, गुड बाय। जीजू, हाँ? दीना जाती नहीं थी जब तक मैं सोती नहीं थी, मेरे पास ही बैठती थी। अच्छा, ठीक है। लोरी सुनो। हाँ, दी जब मेरे पास होती थी ना तो वो कभी चुप नहीं बैठती थी, मेरे से बातें करती रहती थी या कोई लोरी सुना के मुझे सुला देती थी। लोरी? अब लोरी तो मुझे आती ही नहीं है। ओहो, तो ठीक है, आप अपनी कोई लॉ बुक ही पढ़ दीजिए, मैं बोरो के सो जाऊंगी। तो साली साहब, आप अपना जीजू का ही बकरा बना रही हैं? बकरा नहीं बना रही हूँ जीजू, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। अब देखो, कल को मैं मासी बनूंगी, आप डैडी बनोगे, तो आपके वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे आपको परेशान करेंगे, रोएंगे, आप कसर खाएंगे, तो लोरी वोरी आनी चाहिए ना सुनानी, तो उन्हें सुनाने के लिए। ठीक है, ये रही तुम्हारी दी। अब पूरी रात इनसे फरमाइश करना, जो सुनना है सुनना, लोरी सुननी है, गजल सुनना है, रैप सुनना है, जो सुनना है सब सुना देंगे। चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट जीजू। ओ हीरो, क्या हुआ, बिजी है क्या? डिनर पे नहीं आया? अरे नहीं भाई, आपने कहा था ना कि मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द उसका कैंसर ठीक हो जाए। सो मुझे आज ही पता चला है, मेरी एक फ्रेंड है कैंसर रिसर्च सेंटर में, उसने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स किए, सुबह ही पढ़ रहा हूँ बस। वेरी नाइस यार, इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल। दूसरा लैपटॉप कहाँ है? तय एक काम करेगा, मुझे वो ईमेल भेजिए। भाई मैंने आपको मेल भेज दिया, तीन लिंक आप चेक कर लो, बाकी के लिंक मैं चेक कर लूँ। एक सेकंड चेक करो। यस भाई, जिसकी मैं तलाश थी वो मैं मिल गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।